मिनी ट्रैक्टर रोटी मशीन। सविता नाम की गरीब माँ को अनंत नाम का एक बेटा था। बेटे को पढ़ाने के लिए सविता घर पर ही रोटी बनाकर आसपास वाले लोगों को बेचती थी। कुछ दिनों बाद अनंत अपनी पढ़ाई पूरी करके अपनी माँ के पास आकर, माँ आपके दिए प्रोत्साहन के कारण ही मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लिया, अब से मैं आपके पास ही रहकर आपकी मदद करता हूँ। रे, इतनी मेहनत करके तुम्हें इसलिए थोड़ी पढ़ाया कि तुम मेरे ही पास रहकर काम करो, कहीं बाहर गांव में जाकर कोई नौकरी कर लो ना। माँ मैं ढूंढूं तो मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है, लेकिन मैं सबसे पहले अपने माँ के पास नौकरी करने की सोच रहा हूँ। आपकी मदद करूँगा, आपके छोटे छोटे व्यापार में मैं आपके एम्प्लॉय की तरह ही काम करूँगा। ठीक है रे, तुम्हारी मर्जी। अगले दिन माँ जब रोटी बना रही थी तो बेटा अनंत रोटी को पैक करके कस्टमर्स को दे रहा था। उस शाम को पैसों का हिसाब करते हुए अनंत, माँ आज के लाभ 900 रुपए मिले हैं, अगर हम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो महीने के आखिरी तक हमें 25,000 मिलेंगे। घर का भाड़ा और सब खर्चे निकालने के बाद हमारे पास 10,000 बचेंगे। माँ 10,000 मिले तो बढ़िया है बेटा, हर महीने मेरे पास तो सिर्फ 5,000 या 6,000 ही बचता है। फिर इतने कम बचाई से क्या होगा माँ, रोटी का व्यापार और बढ़ाना होगा और ज्यादा रोटी बनानी होगी। मेरे से तो नहीं होगा रे, इस उम्र में मैं चल फिर तो पा रही हूँ, लेकिन उतनी ताकत अब मुझ में नहीं है कि और काम बढ़ाऊँ। उस रात बेटा अनंत बहुत सोचा, किसी तरह रोटी का व्यापार बढ़ाने की सोच रहा था। इंटरनेट पर उस रात बैठकर देख रहा था तो उसमें रोटी मशीन बिक रही थी, लेकिन वो 1,00,000 रुपए की थी। अनंत तब मन में, बाप रे 1,00,000 रुपए, उतने पैसे कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, सोचने लगा। अगले दिन अपने दोस्तों के पास जाकर अपनी जरूरत के बारे में बताया। सब सही है रे, मैं दे दूंगा, लेकिन उस मशीन को कहाँ रखोगे, तुम्हारा घर ही छोटा है, अब उतने छोटे से घर में ये मशीन कहीं नहीं आएगी ना। सच है रे, वो बात पर तो मैं गौर ही नहीं किया। रे तुम्हारी माँ के पास एक पुराना ट्रैक्टर था ना, उसके पीछे ट्रॉली है ना, उस ट्रॉली में वो मशीन रख लो। यूं सलाह दिया। वाह क्या सुपर आइडिया दिया रे। फिर दोस्त के दिए पैसों से वो मशीन खरीद कर ट्रैक्टर के पीछे लगाया। अगले दिन ट्रैक्टर रोटी मशीन लेकर सिटी सेंटर में, आइए भाई आइए, रोटी खाकर आपका दिन शुरू कीजिए। भाइयों और बहनों, रोटी बनाने के लिए आपके नाजुक हाथों को खराब मत कीजिए, हमसे रोटी खरीदिए, जितने चाहिए उतने सरफरा करेंगे, यूं पुकारने लगा। माँ जब रोटी मशीन में रोटी का आटा डाल रही थी, वो रोटी मशीन रोटी बनाते जा रही थी। बेटा कस्टमर को बनी रोटी देने लगा। कस्टमर उसे खाकर एक, आहा रुई जैसी है ये रोटियां, बहुत अच्छी हैं, यूं उसकी प्रशंसा करने लगा। दोपहर में बेटा उस ट्रैक्टर रोटी मशीन को जहाँ खूब भीड़ थी उस गली में ले जाकर वहाँ भी रोटी बेचा। शाम को ट्रैक्टर रोटी मशीन को मंदिर के पास लाकर वहां आने जाने वाले लोगों को और गरीब भिखारी को मुफ्त में रोटी देने लगा। इस तरह ट्रैक्टर रोटी मशीन उस गांव में बहुत मशहूर हो गया, व्यापार भी आगे बढ़ने लगा। भीमेश्वर नाम के गांव में गंधर्व नाम का एक आदमी था। उसे गाना गाना बहुत पसंद था। उसके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उसके मुंह में जो भी शब्द आते उसके पसंद के गाने गाके गांव के लोगों को परेशान करता। इसीलिए उसके माता पिता ने उसे बोलना छोड़ दिया।
जब चीजें इसी तरह थी, उसके घर गांव के प्रेसिडेंट भानु जी आते हैं। अरे बाबू, तुमको कितनी बार बोलो, जाने दो, बच्चा है करके जाने देते हैं, पर तुम एक गधे बन गए हो। उतना ही नहीं, तुम्हारे गधे जैसे आवाज से सब लोगों को परेशान कर रहे हो। अभी तो गाना गाना बंद करके कोई काम ढूंढो। देखो प्रेसिडेंट दादाजी, कोयल कपूर के सुगंध को सूंघ नहीं सकती, वैसे ही तुम्हारे जैसे टेढ़े इंसान मेरे मधुर जैसी आवाज को समझ नहीं पाओगे। कभी ना कभी तेरे जैसे देर दिमाग वाले आदमी से मेरे लिए तालियां बजवाना ही मेरा लक्ष्य है। अरे पागल, तुझे अच्छे से बोल रहा हूँ, समझने नहीं आता क्या? तेरे गाने, तेरे घटिया गाने, तेरे जैसे घटिया आवाज मैंने कहीं नहीं सुना है रे। अरे एक और बार अगर मैंने तुम्हारा गाना गांव में सुना तो मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं पता। ऐसा बोल के वहाँ से चले जाता है। ऐसे ही उसके अगले दिन गंधर्व के पास उसका दोस्त विष्णु आता है। अरे वो प्रेसिडेंट का सब प्लान पता चल गया यार, इस गांव में मैं मेरे गाने गाकर कहां पॉपुलर हो जाऊंगा, इसीलिए वो डर गया है। उतना ही नहीं, सब लोग मुझे वोट देकर मुझे प्रेसिडेंट बना देंगे, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बना देंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री भी बना देंगे, इसीलिए वो डर रहा है। विष्णु अपने मन में, छी क्या मेरा नसीब है, सिर्फ इसीलिए कि वो मेरा दोस्त है, इस प्रेसिडेंट के लोग आकर इसका गाना बंद करवाने के लिए मुझे कह के टॉर्चर कर रहे हैं। इसे कुछ भी कहो नहीं मानता, क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। इसकी बुद्धि तो देखो, इससे लगता है कि गाना गा के प्रधानमंत्री बन जाएगा, मेरा नसीब भी खराब है, ऐसा सोचता है। इस बीच उसे देखकर गंधर्व बोलता है, क्या यार मेरे बारे में ही सोच रहे हो ना, टेंशन मत लो, मैं जब प्रधानमंत्री बन जाऊंगा ना, मैं तुम्हें मेरे बाजू ही रखूंगा, के लिए भी मैंने प्लान बना दिया है रे। मैं मेरे बाइक को डीजे बाइक में कन्वर्ट कर दूंगा, तभी लोगों को मेरा गाना सुनाऊंगा, ताकि वे मुझे कोई प्रश्न ना पूछे, यही मेरा लक्ष्य है रे। उसके बाद वह मैकेनिक के पास जाकर उसके बाइक को डीजे बाइक में बदल देता है। गंधर्व अपना बाइक लेकर गांव के बीच आकर रुका देता है। फिर एक माइक लेके गंधर्व, आ जाओ गांव वालों, आ जाओ, तुम्हारे लिए, तुम्हारे खुशी के लिए बहुत ही बढ़िया गाना गाने वाला हूँ, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, जब मैं गाना गाऊंगा तो आप सब मेरे लिए जयकार करना। अभी मैं कौन सा गाना गाने वाला हूँ पता है क्या? 1 2 3 भूल गया, भूल गया, बहुत भूल गया, ओ भूल गया। ऐसा गाते ही रह गया। उस गाने के आवाज से वहाँ के लोग भागने लगे, वह देखकर गंधर्व, अरे आप लोग भागो मत यार, आप लोगों को उस प्रेसिडेंट ने धमकी दिया है ना, मुझे पता है, मैं जब मुख्यमंत्री बन जाऊंगा ना, तो उस प्रेसिडेंट को नौकरी से निकाल दूंगा। फिर भी कोई नहीं आता। गंधर्व उसके मन में, बेचारे ये लोग पागलों की तरह मेरा गाना सुनने के लिए कितने बेचैन हो रहे हैं। ऐसा कोई एक टाइम पर गांव के बीच आकर मैं नहीं गाऊंगा, ये डीजे के मदद से मुझे 24 घंटे गांव में मेरा गाना सुनाते रहना चाहिए। ऐसा सोचकर उस दिन से रोज दिन और रात भर बिना रुके घर घर अपने बाइक पर घूमता, गाना बजाकर और गाना गाते हुए लोगों को हिलाकर रख देता। इसके हरकतों के कारण लोग घर से बाहर जाना भी बंद कर देते हैं। ऐसे कुछ समय बीत जाते हैं। एक दिन कुछ लोग गंधर्व के पास जाकर उसे बहुत पीटते हैं। उसके बाद उनसे गंधर्व, अरे कोयल को गाने से कोई नहीं रोक सकता, और बर्फीले पहाड़ के ऊपर सूरज को कोई नहीं रोक पाते, वैसे ही तुम्हारे मार से मेरे और मेरे डीजे बाइक को नहीं रोक सकते। मुझे पता है ना, तुम लोग इस गांव के कुत्तों को भी कंट्रोल करते हो, नहीं तो वे सब क्यों मुझे देख के भाग जाते हैं। अरे पागल लोग, आप लोग सब प्रेसिडेंट के आदमी हो, ये मुझे पता है रे। तभी गंधर्व के पास विष्णु आता है। अरे बाप रे, जैसे सोचा वैसे ही हुआ यार, उस प्रेसिडेंट ने तुम्हारे लिए आदमी भेजे। अच्छा, अरे तुम्हारी ये घटिया बातें बंद करो, मुझे बताओ आखिर बात क्या है। अरे
YouTube वाले एक गाने का कंपटीशन रख रहे हैं, उसमें जो भी जीतेगा उसे चंद्रमंडल का प्रेसिडेंट बनाएंगे। अगर तुम जाओगे तो तुम पक्का उस कंपटीशन में जीत जाओगे, इसलिए उसने तुमको मारने के लिए लोगों को भेजा है। वो घर में बैठकर गाना सीख रहा है भाई। उसे लगता है कि वो जीत जाएगा। जीतने का एड्रेस मैं ही हूँ रे, जीतने के लिए मुख्य व्यक्ति भी मैं ही हूँ। अभी मैं YouTube जा रहा हूँ और चंद्रमंडल का प्रेसिडेंट बन के इस गांव में आऊंगा, नहीं तो मैं इस गांव में पैर नहीं रखूंगा रे। अपना डीजे बाइक लेकर चला जाता है। वह देख के विष्णु अपने मन में, अरे भाई तुम आओ ही मत इस गांव में, तुम आओगे तो तुम्हारे आवाज से इस गांव के लोगों के कान से खून निकलना शुरू हो जाएगा। अरे बाप रे। ऐसा सोचते वक्त वहां आए हुए गांव के लोग अच्छे आइडिया की वजह से उसे गांव से भेजने के लिए विष्णु को थैंक्स बोलते हैं। मूसापेट नाम के गांव में श्रीनिवास नाम का किसान हुआ करता था। उसकी दो बेटियां थी, कविता कावेरी उनका नाम था। श्रीनिवास अपने बेटियों को पढ़ाने के लिए दिन रात खेती का काम किया करता था। एक दिन श्रीनिवास शहर में एक साहूकार के पास जाकर, ओ साहूकार जी, इस साल मेरी दोनों बेटियों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर आगे की पढ़ाई करानी है, आप जरा तेले का दम देकर डालिए ना। हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा व्यापार तो गया। और वैसे कब तक ये बैलगाड़ी पर आओगे? एक ट्रैक्टर खरीद सकते हो ना? आपको क्या है जी, आप आसानी से कह सकते हैं, लेकिन ट्रैक्टर खरीदना उतना आसान कहाँ, कुछ पाने के लिए नसीब में भी लिखा होना चाहिए। यूं कहकर उस बैलगाड़ी में निकल गया। उस शाम को कविता कावरी दोनों अपने पिता को खाना खिलाते हुए, क्या पापा आज आप देरी से आए, पता है कितनी भूख लग रही थी। अरे मेरी बेटी को भूख लगी? मैं तुम्हारे लिए शहर से नए कपड़े लेकर आया हूँ। हाय, नए कपड़े खरीदे पापा, थैंक यू पापा, लेकिन स्कूल फीस का क्या करें? वो भी लाया हूँ बेटी। इस तरह श्रीनिवास अपने बेटियों के साथ समय गुजारता था। अगले दिन कावेरी जल्दी जल्दी श्रीनिवास के पास आकर, पापा पापा हमारा बैल मर गया है पापा। श्रीनिवास बैल को देखते हुए, अरे अब मैं क्या करूं, अब खेत में हल चलाने के लिए बैल भी नहीं है, क्या करूं अब, यूं दुखी होने लगा। तब कावेरी कविता दोनों आकर, पापा बैल मर गया तो क्या, हम दोनों है ना, आप हमारे लिए इतना करते हैं तो हम कम से कम आपके लिए खेत में काम तो कर सकते हैं ना, आपकी मदद तो कर सकते हैं ना। तो वो बातें सुनकर श्रीनिवास बहुत खुश हो गया। अगले दिन हल के दोनों तरफ वे दोनों खड़े होकर खेती करना शुरू किए। पिता श्रीनिवास उनके पीछे से हल चला रहा था। गांव वाले श्रीनिवास अपने बेटियों से खेत का काम कराते हुए देखकर सब मजाक उड़ाने लगे। एक दिन साहूकार उस गांव में अचानक आया तो देखा कि श्रीनिवास अपनी बेटियों से खेत में काम करवा रहा था। क्या बात है श्रीनिवास, अपने बेटियों से खेत का काम करवा रहे हो? हा। यूं हंसने लगा। हाँ जी, मेरे साथ खेत में काम करके मेरी बहुत मदद कर रही हैं, मेरी दोनों बेटियां। तो तुम दोनों को तो कुछ आगे की पढ़ाई करने की कह रहे थे, वाह आखिर में तो उन्हें महान नौकरी पर भी लगवा दिए। यूं मजाक उड़ाने लगा। उस शाम घर पर श्रीनिवास दुखी हो रहा था तो कावेरी कविता दोनों आकर, पापा कोई आकर कुछ कहा तो इस बात से आप दुखी मत होइए पापा, हम सब मिलकर ही करेंगे, हमारी पढ़ाई रुक जाएगी ऐसे मत सोचिए पापा, हम दिन में खेत का काम करेंगे, रात को पढ़ाई कर लेंगे पापा। अगले दिन सुबह तीनों खेत के लिए निकल रहे थे तो देखा कि कई सारे प्रेस रिपोर्टर्स वहाँ खड़े हुए थे। सर आपकी बेटियाँ स्टेट में फर्स्ट आई हैं, आपको कैसे लग रहा है सर? क्या मेरी बेटियाँ स्टेट में फर्स्ट आई है? फिर रिपोर्टर कावेरी कविता का इंटरव्यू लिया। ये सब हमारे पापा के सपोर्ट की वजह से ही हम कर पाए। तो आप ये हल पकड़ कर कहाँ जा रहे हो? हमारे पास सिर्फ एक ही बैल था जो मर गया, इसीलिए हम दोनों अब पापा के साथ खेत का काम करने जा रहे हैं। फिर कविता कावेरी अपने पिता की खेत में मदद कर रहे थे तो टीवी रिपोर्टर्स शूट करके अगले दिन टीवी न्यूज में न्यूज़पेपर्स में छाप दिए। उस शाम साहूकार श्रीनिवास के पास आकर,
मुझे माफ कीजिए, अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए तुम कितनी तकलीफ उठा रहे हो ये मुझे समझ आ गया है। हीरे जैसे बच्चे हैं तुम्हारे, किसी समस्या आने पर भाग जाने वाले बच्चे देखे हैं मैंने, लेकिन लड़कियां होकर तुम्हारी ये बेटियां तुम्हारा इतना साथ दे रहे हैं, वाह। इतने में उस गांव के जमींदार सरपंच आकर, वाह श्रीनिवास वाह, ये देखो अब से तुम्हारे लिए हमारे गांव वालों की तरफ से तुम्हें एक ट्रैक्टर तोहफे में दे रहे हैं, कहकर उसे ट्रैक्टर को गिफ्ट में दिए। मैं भी तुम्हारे बेटियों की पढ़ाई का खर्च संभाल लूंगा। इस तरह सारे गांव वाले श्रीनिवास के परिवार को सहकार दिए। एक गांव में राणा नाम का आदमी रहता था। राणा क्या व्यापार करना है बहुत सोचने के बाद नजदीकी बैंक से लोन लेकर एक जेसीबी खरीदा। राणा की पत्नी शीतल उस जेसीबी के टायर के नीचे नींबू रखा। राणा उसे कुचलकर उसका व्यापार शुरू किया। राणा कुछ दिन उसका जेसीबी को सेंटर में रखकर सभी को पैम्पलेट बांटा, फिर भी एक भी बुकिंग नहीं आया। कुछ महीनों के बाद शीतल, क्यों जी, जेसीबी बिजनेस अच्छा है सोचकर इतना खर्चा करके खरीदा, अभी तक एक भी बुकिंग नहीं आया। बाजू के बैंक में से ईएमआई बोरो करके नोटिस पे नोटिस आ रहा है जी, अभी क्या करेंगे जी। इस गांव में एक भी नया घर नहीं बन रहा है, सभी लोग पुराने घर में ही रह रहे हैं। इस गांव में ही नहीं बल्कि आजू बाजू के सभी गांव घूम कर आ चुका हूँ, कहीं पे भी रोड या कोई फ्लाईओवर नहीं बांध रहे हैं। उनके ऊपर भरोसा करके जेसीबी खरीद कर पूरी तरह से डूब गए, अभी इसे आधे दाम में ही खरीदने वाला भी कोई नहीं है। क्या करना है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जेसीबी सिर्फ कंस्ट्रक्शन के कामों में ही उपयोग आता है जी, और किन किन कामों में इस्तेमाल हो सकता है वो थोड़ा सोचिए, घर में खाने का सामान भी खत्म हो रहा है। राणा दूसरे दिन जेसीबी को एक ऑटो स्टैंड में रखा। आओ भाई आओ, जबलपुर, केदारपुर, अमीनापुर, कोई भी गांव हो, टिकट से 20 रुपए, आओ भाई आओ, जल्दी से जेसीबी में चढ़ो, जेसीबी के डब्बे में भी बैठ सकते हो, कहकर चिल्ला रहा था। एक आदमी आकर, क्या है तुम्हारे जेसीबी में बैठकर गांव जाना चाहिए, तुम 20 रुपए में लेकर जाओगे, ठीक है पर ये 20 किलोमीटर की स्पीड पे भी नहीं जाएगी, इसमें चढ़ा मतलब मेरे गांव जाने के लिए आधी रात हो जाएगी, पर ये क्या गंदी सोच है तुम्हारी, ये डीजल कितना पिएगी मालूम है तुम्हें, इसे शेयर ऑटो बनाकर घूमेगा तो तुम्हें नुकसान ही नुकसान होगा। हाँ सही है आपकी बात, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वैसे ही राणा का कर्जा रोज रोज बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन एक बच्चा राणा के पास आकर, अंकल हमारे स्विमिंग पूल में एक बहुत बड़ी मछली आ गई है, आप आकर उसे थोड़ा बाजू में कर देंगे, मेरे पापा को कहकर आपको पैसे दे दूंगा। बाप रे, बहुत समय के बाद मेरे जेसीबी को बोनी लेकर आया है, तुम्हें बहुत थैंक्स है बेटा। राणा वैसे जेसीबी से स्विमिंग पूल में से बड़ी मछली को निकालकर बाहर फेंका। वो बच्चे के पिता ने राणा को पैसा दिया। राणा ने उस पैसे को आंखों से लगाकर नमस्कार करके चला गया। वैसे राणा उस मछली को जेसीबी में डालकर फिश मार्केट में लेकर गया। नानाराम नाम का एक फिश व्यापारी उसे रुकाया। ये मछली तुम्हें कहां पर मिली है भाई, ये बहुत ही कीमती मछली है, सिर्फ बाढ़ के वक्त ही समंदर से बाहर निकलती है, इसे मुझे बेचो तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। राणा ने खुशी से ठीक है कहकर व्यापारी को मछली दे दिया उसे पैसे देकर। इस तरह की मछलियां तुम्हें मिलने पर किसी को मत बेचना, मेरे पास ही लेकर आना। तभी राणा को एक आइडिया आया। उस दिन से राणा उसके जेसीबी से उन मछलियों को पकड़ना शुरू किया। मछलियां आकर उस जेसीबी के डब्बे में गिरने लगी। वो देखने वाले बाकी लोग आश्चर्य से देखने लगे। राणा जेसीबी को मछली मार्केट में लाकर मछलियों को उन्हें बेचता था। राणा को कभी कभी बड़ी मछलियां मिल जाती थी और उन मछलियों को राणा लाकर नानाराम को बेचता था। ऐसे जेसीबी में रोज टन के हिसाब से मछलियां गिरने पर राणा ने बहुत पैसा कमा लिया। एक साल में ही बैंक का लोन भी चुकता हो गया।
वो देखकर शीतल बहुत खुश हुई। राणा उसे रास्ता दिखाने वाले बच्चे को हर महीना कोई ना कोई खिलौना खरीद के देता था। वो मैनापुर नाम का गांव था। उस गांव में सोनू सूद नाम के किसान के दो बच्चे थे। सोनू सूद को अपने पास रहे भैंस बोले तो बहुत पसंद था। रोज सुबह अपने भैंस को सोनू सूद नदी के पास लेकर जाके नहलाता था, फिर वापस घर को लेकर आकर दूध निकालकर गली गली में घूमकर, हाँ दूध भाई दूध, स्वच्छ दूध, हाँ दूधे भाई दूध, भैंस की स्वच्छ दूध, चिल्लाते हुए बेचता था। वैसे आए पैसों से वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार सोनू सूद भैंस को नदी में ले जाते वक्त एक लड़का अपने बाइक पे एक हाथ से गाड़ी चलाकर दूसरे हाथ से फोन पे बात करते हुए, देखो डार्लिंग कितना सुंदर है हमारा गांव, कहकर वीडियो कॉल में अपने गांव की खूबसूरती को दिखा रहा था। सोनू सूद की भैंस उसके सामने जब आए वो कंट्रोल खोकर नीचे गिर गया। ओह नो माय फोन, कहकर अपने फोन को उठाते हुए, ओह नो डार्लिंग बाइक स्किड हो गया, ये भैंस सामने आ गए ना, कॉल यू लेटर, कहकर फोन कट करके सोनू सूद से, क्यों भाई देख के नहीं आ सकते हो क्या, थोड़े में मेरा फोन टूट जाता, कहकर गाली देकर चला गया। आजकल के नौजवान को जिंदगी की कीमत समझ में नहीं आती है। जब से ये सेलफोन आया है सेलफोन को ही जिंदगी समझ बैठे हैं, पर अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोच रहे, छी छी बेकार लोग, कहकर गाली देकर चला गया। घर पे आने के बाद बेटी, पापा मुझे एक सेलफोन चाहिए प्लीज पापा। नहीं वैसा कुछ मत ले, वैसी गंदी आदतें कुछ भी मत लगाओ। नहीं पापा ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, क्लासेस सभी मिस हो रहे हैं। नहीं बेटी नहीं, वैसी पढ़ाई हमें नहीं चाहिए, लोग सभी अपने आपा खोकर गलत रास्ते में जा रहे हैं। उसकी बेटी जितना समझाने के बावजूद भी वो जब नहीं सुना तो वो जाकर अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बताई। अगले दिन प्रिंसिपल सोनू सूद के पास आकर, देखिए ये लॉकडाउन के कारण स्कूल सभी बंद है, हम बच्चों को ऑनलाइन तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चे भी बाकी बच्चों के जैसे बिगड़ जाएंगे, ये सोच में परवरिश कभी मत कीजिए, विश्वास के साथ उनकी परवरिश कीजिए, हम जैसे भी बोएंगे वैसा ही पौधा उगेगा ना, इसलिए एक बार सोच लीजिए, कहकर वो चली गई। सोनू सूद अपनी बेटी के पास आकर, मैं तुम्हारे लिए एक सेलफोन खरीदूंगा बेटी, लेकिन संभाल कर इस्तेमाल करना, कहकर वो एक दुकान के पास आया। भैया हमारी बेटी को कोई ऑनलाइन क्लासेस में सुनना है, एक अच्छा सा सेलफोन देना। ठीक है साहब, एक फोन की कीमत 12,000 रुपए है। क्या 12,000? ईएमआई के मुताबिक भी आप ले सकते हैं साहब, क्रेडिट कार्ड है क्या आपके पास? वो सब मेरे पास नहीं है साहब, कहकर एक पेड़ के नीचे बैठकर, आपके अब 12,000 कहां से लेकर आऊं, मुझे अब मेरे बेटी की भविष्य की से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, कहकर उसके सबसे प्यारी भैंस को बेचकर सेलफोन खरीदा। उस दिन शाम को वो स्कूल के प्रिंसिपल से मिलके, मैडम मुझे मेरे भविष्य से ज्यादा मेरी बेटी की भविष्य ज्यादा महत्व है, इसलिए मैं मेरी भैंस को बेचकर सेलफोन खरीदा, आप मगर पढ़ाई ठीक से करवाना। सर आपकी एकमात्र जीवन के आधार को आपकी बेटी के भविष्य के लिए दाव पे लगा दिया। उसमें क्या है मैडम, वो खुश रहे मेरे लिए वही काफी है, कहकर चला गया। अगले दिन प्रिंसिपल अपने ऑनलाइन में एक पोस्ट डाली, ऑनलाइन में सोनू सूद अपनी बेटी के लिए जो बलिदान दिया सब लोग तारीफ किए। वो सेलफोन कंपनी का मालिक को जब ये बात मालूम पड़ा तो वो सीधा सोनू सूद के पास आ गया। सर आप हमारे सेलफोन खरीदने के लिए आप अपनी भविष्य को ही दाव पे लगा दिए, बेटी की भविष्य के लिए जो आपने किया वो बहुत इंस्पायरिंग है साहब, ये लीजिए आपने खोए हुए ये भैंस, वैसे आपकी बेटी के लिए आपने जो सेलफोन खरीदा है वो भी हम मुफ्त में दे रहे हैं, ये लीजिए आपके 12,000 रुपए, कहकर पैसा दिया।